सो गाइस आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल TVS रेडर 125 जो कि अभी आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि ब्लैक कलर में है। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि 2024 मॉडल TVS रेडर 125 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए गाइस मैं टाइम बेस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे TVS रेडर 125 जो ब्लैक कलर है इसका कितना ऑन रोड प्राइस होने वाला है। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग 1,13,000 से 1,15,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो मैंने प्राइस बताया है एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, डिफरेंट सिटी और स्टेट में वैरी कर सकता है। तो एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप TVS शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जैसा कि इस बाइक में आपको एक काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको लुक मिल जाती है जो कि 125 सेगमेंट में यह काफ़ी ज़्यादा सेल होती है TVS रेडर 125, क्योंकि इसमें आपको जो पावर मिलती है काफ़ी पावरफुल आपको इंजन मिलती है। बट इसमें आपको जो इंजन मिली है 125 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन इसका जो पावर एंड टॉर्क आपको मिलता है काफ़ी बेहतरीन देखने में मिलती है और लुक भी आपको अच्छा खासा मिलता है। काफ़ी स्पोर्टी लुक में यह बाइक नज़र आती है। इसमें आपको दो मोड्स मिलता है, पावर और इको मोड दिया गया है, फुली डिस्टेंबर कंसोल मिलती है, LED हेडलाइट सेटअप मिलती है, LED डियास दिया गया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो यह बाइक काफ़ी बढ़िया है 125 सेगमेंट में। चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट लुक है कुछ इस तरह निकल जाती है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पे R की ब्रांडिंग मिली है। और हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है कम्प्लीटली आपको LED हेडलाइट सेटअप मिलती है, LED डियास इसमें दिया गया है। जो टर्न सिग्नल आपको मिलती है बल्ब टर्न सिग्नल आपको मिलती है, हेलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें आपको सस्पेंशन जो मिली है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलती है जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिली है। और फेंडर जो आपको मिलता है ब्लैक कलर में यहाँ पे फेंडर दिया गया है। और ब्रेकिंग की बात करें तो जैसा कि इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है TVS रेडर 125 में SBT ब्रेकिंग आपको लगी मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट दिया गया है। तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 240mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। व्हील साइज जो आपको मिलती है फ्रंट में 17 इंचेस का व्हील साइज दिया गया है। टायर सेक्शन की बात करें फ्रंट में आपको जो टायर मिली है 18x117 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है। और ब्लैक कलर का आपको इसमें अलॉय व्हील लगी मिलती है। गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर आपको मिलती है, TVS के आपके यहाँ पे लोगो मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको TVS इंटेलिको की आपको ब्रांडिंग मिली है। इस तरह से 125 cc का आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है, काफ़ी पावरफुल रिफाइनमेंट आपको इसमें इंजन मिली है। इंजन की दो साइड में आपको TVS की ब्रांडिंग मिलती है। इंजन गार्ड जो आपको मिलता है ब्लैक कलर में यहाँ पे दिया गया है। और फुट पैक्स आपको अच्छी क्वालिटी के इस बाइक में मिल जाती है। और रेडर की आपको जो ब्रांडिंग मिलती है 3D में यहाँ पे दिया गया है। और फ्यूल टैंक देखेंगे तो काफ़ी मस्कुलर आपको इसमें फ्यूल टैंक लगी मिलती है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है। और रियर साइड की ओर बढ़े तो गाइस यहाँ पर देखें एग्जॉस्ट जो मिलता है यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर फिनिशिंग मिलती है। और काफ़ी बेसी साउंड आपको इस बाइक में मिल जाती है TVS रेडर 125 में। अब बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको सस्पेंशन इस बाइक में मिल रही है मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको इस बाइक में मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन इस बाइक में आपको मिलती है, जिससे आपको जो राइडिंग कम्फर्ट मिलेगा वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएगा इस बाइक में। अब बात करें इसके रियर ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग मिली है 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको रियर मिल जाती है। और रियर व्हील साइज जो आपको मिलती है 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिलती है, जिस पर आप देखें तो 100x90 17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर लग मिलती है। और इस तरह से आपको जो रियर में ब्रेकिंग मिलती है 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपके यहाँ मिल जाती है। और काफ़ी बड़ा टायर आपको मिली है जिससे आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी काफ़ी बढ़िया ग्रिपिंग मिल जाएगी। और रियर साइड में देखें तो आपके यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग मिल जाती है। गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो रियर प्रोफाइल है कुछ इससे निकल जाती है। जो टेल लाइट आपको मिलती है LED टेल लाइट आपको लगी मिलती है, यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग मिलती है। और गाइस यह फर्स्ट सेगमेंट यह बाइक है जिसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज भी मिल जाती है। सीट को ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पर भी स्टोरेज भी आपको मिल जाती है, इससे आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर रख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल जाती है। तो इसके फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है। यहाँ पर आपको TVS किया आपको लोगों में जाती है, ब्लैक कलर में आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक मिली है 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। E20 की ब्रांडिंग मिली है, यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाती है। और हैंडल बार जो आपको मिलता है कुछ इस टाइप की इसमें हैंडलिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो कंट्रोल्स मिलता है, पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम टर्न सिग्नल, हॉर्न का स्विच दिया गया है, इससे आपको ग्रिपिंग मिल रही है। और राइट साइड में आपको यहाँ पर जैसा कि इसमें आपको दो मोड मिलता है, पावर और इको मोड दिया गया है, तो यहाँ पर आपको स्विच मिल जाती है, सेल्फ स्टार्ट का यहाँ पर स्विच आपको यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ इस तरह से ग्रिपिंग मिली है। जो मीटर कंसोल मिलती है फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है, कलरफुल डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है, अभी इसमें कनेक्शन नहीं किया गया है, जिस पर आप देखेंगे तो आपको डिजिटल टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके डिस्प्ले पर।
और सीट की तरफ है तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट मिलती है स्प्लिट टाइप का सीट दिया गया, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट लगी मिलती है जो काफ़ी कंफर्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है राइडिंग के टाइम पे। तो कुशनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो कुशनिंग मिलती है काफ़ी वेल कुशन आपको सीट मिल जाती है, जो राइडर सीट है और जो पिलियन सीट है काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट मिल जाती है। तो सीटिंग कम्फर्ट को लेकर कोई इशू नहीं होने वाली है। और गाइस यहाँ पर भी आपको रेडर की ब्रांडिंग मिली है। अब बात किस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन मिली है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 FI आपको इसमें इंजन मिल जाती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 11.2 BHP की पावर जनरेट करती है एट 7500 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलती है 11.2 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलती है एट 6000 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और जो इसमें आपको गियर बॉक्स मिली है 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको लगी मिलती है। साइड इससे इंजन का आपका फीचर दिया गया, ओपन चेंडर सिस्टम मिली है, फुट पैक्स आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, से यहाँ पे साड़ी गार्ड आपको मिल जाती है। सो गाइस ये हो गया है बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, तो इसका जो कर्बेट आपको मिलता है 123 kg का इसका कर्बेट दिया गया है। सीट हाइट आपको जो मिलती है 780 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। ग्राउंड कुछ जो आपको मिलती है TVS Raider 125 में 180 mm का आपको ग्राउंड कुछ मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलती है इस बाइक की 2070 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की अगर बात करें तो इसकी जो विड्थ आपको मिलती है 785 mm का इसमें विड्थ दिया गया है। और व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1326 mm का इसमें व्हील बेस आपको मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 50 KMPL की आपको इसमें माइलेज मिल जाती है TVS Raider 125 में। बात की इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल कर रहा है वाराणसी में लगभग आपको 1,13,000 से 1,15,000 के बीच में यह बाइक कम्प्लीट आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो मैंने प्राइस बताया हुआ है एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप TVS शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस ये रहा TVS Raider 125 2024 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी है बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।